हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में बिगिनर्स को बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी बनानी हुई और उसमें कोई गलती हुई तो एडिट कहां से जाके करेंगे, बनाएंगे कैसे, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज इसी का सोल्यूशन एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो टैली प्राइम का नया वर्जन है 2.0.1 जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने ओपन किया है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है। यहाँ पर अकाउंट पे जाएंगे और फिर अबाउट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वर्जन कौन सा है टैली टैली का। तो यहाँ से आप चाहे तो बी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2.0.1 है, लेटेस्ट वर्जन है टैली का। और यहाँ पर बाहर आता हूँ और ये कंपनी मैंने जो बना रखी है उसी में कुछ एडिटिंग करके देखता हूँ, ठीक है। अब ये बनी हुई है, अगर आपको बनाना हो तो क्या करना है, F3 प्रेस करना है। F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर आपको क्रिएट कंपनी दिखाई पड़ेगा, क्रिएट कंपनी पे जाकर के आपको कंपनी बनानी है। मैंने फिलहाल बना रखा है तो इसको एडिट करता हूँ थोड़ा सा, तो अल्टर कंपनी पे आएंगे तो एडिट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ होती है, जो बिगिनर होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं इस अल्टर पर और फिर कंपनी को खोजना शुरू करते हैं। कंपनी तो यहाँ मिलेगी नहीं क्योंकि कंपनी तो बनी हुई है कहीं और से, ठीक है। तो यहाँ से बाहर आ जाइए और आपको प्रेस करना है F3। केवल F3 प्रेस करते ही ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी और यहां से जाकर के आप अल्टर कंपनी पे चले जाइएगा। जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी गलती हुई हो यहां से जाकर के आप सुधार कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब ये हो गया। यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि यहां पर 2 मई से हमारा काम प्रारंभ हो रहा है, तो जो बिगिनर होते हैं वो गलती कहां करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021 डेट दिया गया है, लेकिन काम हमारा 2 मई से शुरू हो रहा है, तो वो इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। और एक्सेप्ट करवाने के बाद जब जीएसटी लगाना होता है, अच्छा जीएसटी के लिए क्या है, तो यहाँ से F11 प्रेस करता हूँ जीएसटी के लिए। अगर आपका यहाँ से नो होगा, ये देखिए ये फीचर्स नो होंगे, यहाँ पर भी नो होगा, ये देखिए ये मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, तो ये केवल इस तरीके से दिखेगा। तो जरूरी है कि इन दोनों फीचर्स को आप यस रखें। और टैक्सेशन का यहाँ सेक्शन दिख भी रहा है तो यहाँ पर पहले इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये यस कर लेता हूँ, ठीक है, ये यस कर लिया। यहाँ पर भी अदर फीचर देखना चाहते हैं तो इसको भी यस रखिए। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को, अकाउंटिंग के पहले ऑप्शन मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री, इन दोनों को यस रखना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेन हमारा है, तो ये जो है जीएसटी ये तो लगाना ही लगाना है, इसको आप यस रखिएगा। यस इस तरीके से कर देंगे, स्टेट चूज करेंगे, एससी और अदर टेरिटरी इसको हम अवॉइड करते हैं। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जीएसटी या ये नंबर टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर, तो टैक्स रेट यहाँ 18% पड़ा हुआ है बाय डिफॉल्ट, चलिए इसी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड नील रेट वैल्यू, ये ऑप्शन नया आ गया है, ठीक है, पुराने में ये नहीं था, जबकि ये नया आ गया है, अब रिवाइज्ड एप्लीकेबिलिटी ये दिया हुआ है। जब से काम शुरू होगा तभी से तो आप का टैक्स कटेगा, अदरवाइज तो टैक्स कटेगा नहीं, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये वो तरीका है कि आप कंपनी में जाकर के सुधार कर सकते हैं, जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कंपनी में अगर कोई गलती हुई हो तो सुधार करेंगे। फाइनेंशियल ईयर, अच्छा फाइनेंशियल ईयर का एक और इशू आता है, स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आ गए हम रिसिप्ट वाउचर में, तो रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको F6 प्रेस करना है, तो ये आ गया रिसिप्ट वाउचर में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 1/4/2021 ये लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये उप्स डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट, तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट, अब दिमाग में सीधा ये आता है कि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं ले रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है और फिर ये आगे बढ़ता ही नहीं है काम, और फिर स्टूडेंट थक जाते हैं, टीचर्स भी नहीं बताते हैं जल्दी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है, जब भी आप ध्यान देंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी। तो यहाँ पर F2 जैसे ही आप करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी जो बनाई थी हमने उसमें बिगनिंग डेट क्या रखा था। तो यहां से जाकर के F3 प्रेस करके और अल्टर कंपनी पे चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये हो गया हमारा, सारी चीजें यहाँ पे हैं और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, और बिगनिंग डेट कब से शुरू हो रही है, बिगनिंग फ्रॉम बुक्स, बिगनिंग फ्रॉम काम कब से शुरू हुआ है, 2 मई से। तो यहाँ पे 2 मई से ही आपको एंट्री पास करनी है, ऐसा नहीं है कि आप पहले एंट्री पास कर देंगे, ठीक है, इसीलिए वो डेट नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। और दूसरी इशू क्या आती है, दूसरी इशू आती है फाइनेंशियल ईयर की, तो अल्ट F2 प्रेस करिएगा तो फाइनेंशियल ईयर आपको साफ साफ दिख रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका, और आपने जो किया था वो
फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये भी वही है, सेम है, तो यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आयोग की बात समझ में आ गई होगी। और शुरुआती दौर में आप टैली स्टार्ट कर पाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे भी कॉल्स वगैरह तो आते ही रहते हैं, व्हाट्सएप भी आप लोग करते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।